कैसे आप लोग, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आईफोन से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग बताना इस वीडियो का क्वालिटी कैसा है। मैं पहले भी एंड्रॉयड से ब्लॉग बनाता था, आप तो देखते ही होंगे। पर हम और ये हमारे दो दोस्त, ये नया है और ये आप इनको देखे होंगे पिछले वाले ब्लॉग में, इनका नाम अंकित है। तो अभी मैं आया हूँ पटना का चिड़ियाघर में। तो आज का इस ब्लॉग में खासियत यह है कि मैं ब्लॉग पहली बार आईफोन से शूट कर रहा हूँ, तो आप लोग बताना कैसा है, ठीक है। ये देखिए बाहर से लुक चिड़ियाघर कैसा दिखता है, पटना जू। तो अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। अंदर जाने से पहले टिकट चेक कराना पड़ता है, टिकट चेक करा लिया। अब चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या देखने को है इस चिड़ियाघर में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैप है, आप यहाँ से देख सकते हो कि किस लोकेशन पे क्या चीज है। तो गाइस यहाँ पे हमें दिखा है भेड़िया का बोर्ड, ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है भेड़िया, इस वाले केव में भेड़िया है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ भेड़िया, बस बने रहिए ब्लॉग में। देख सकते हो ये रहा है भेड़िया, अभी दो नहीं तीन है, देखिए भाग के सब देखते ही हम लोगों को। अरे भाई किधर जा रहा है, इधर आ जाओ, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, आजा भाई आजा। देखिए भेड़िया जैसे कुत्ते की जैसा ही दिखता है, कुछ खास नहीं है, बस इसका पूछ जो लंबा है और कुत्ते का पूछ तो टेढ़ा होता है। तो गाइस आपको भी ब्लॉग में मैंने भेड़िया दिखाया, आगे चलते आगे बहुत कुछ है दिखाने को। ये मैं बोर्ड दिखाते तेंदुआ का, लेपर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो। और डिटेल्स को देख लिया और असली वाला तेंदुआ दिखाता आपको आगे, वो देखिए वो रहा लेपर्ड तेंदुआ। बहुत छोटा सा जगह में जा कर सोया हुआ है, सोचिए इतना दूर में भी घूमेगा तो मज़ा आता है देखने में। बहुत छोटा जगह जाके सोया हुआ है, उतना बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा आपको। शेर बाग अभी आगे देखना बाकी है आपको, चलिए आगे दिखाते हैं बहुत कुछ। ये रहा चिंपांजी का जिसे केव, यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, लगता है इसमें आया नहीं है। चिंपांजी इसमें नहीं दिखा, क्या पता भाई हमको नहीं मालूम चला गया क्या। बोर्ड देख सकते हैं चिंपांजी के बारे में लिखा गया कीजिए कुमार कोट को और डिटेल्स आपको मिल जाएगी, बट इसमें कुछ है ही नहीं, चिंपांजी है ही नहीं। मैं आपको उसके गेट के पास जूम करके दिखाता हूँ, कुछ नहीं है, है ही नहीं, पिछले बार भी आए थे तो नहीं था। ऐसे भी घूमते घूमते दिखा एक मोर आपको दिखा रहा, वो देखिए आपको मोर दिख रहा होगा सब, यार बहुत दूर में है ये, लगता है पिंजरे से बाहर अभी रखा गया है, पता नहीं पिंजरे में तो हमेशा रहता है, पर फिलहाल अभी हम रास्ते में आते हुए दिख गया है। अभी आ चुके हैं शेर के गुफा के पास, ये देखिए आपको नकली शेर दिख रहा है, पर उधर उसके जो उस साइड जो उसकी गुफा है वहाँ पर आपको असली शेर दिखाते हैं हम। गाइस देखिए शेर का बोर्ड, शेर के बारे में कुछ डिटेल्स, और पिंजरे में शेर ही नहीं है, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, मेन शेर देखने आए थे और शेर ही नहीं है, लगता है किसी को कहीं भेज दिया है। आए थे शेर देखने और शेर ही नहीं है, कोई बात नहीं बाघ देख लेंगे आगे चल कर। ये देखिए हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, अरे पानी में मस्त आराम कर रहा है, बाहर निकला नहीं है, बाहर निकलता तो आपको बढ़िया से दिखाते हैं, कोई बात नहीं, बाघ का आप सीढ़ी देख सकते हो। तो गाइस आपको वाइट टाइगर दिख रहा होगा वहाँ पे, देखिए इधर से देखने का कोई व्यवस्था नहीं है तो जंगल ये सब बढ़ चुके हैं, तो आपको मैं उनको ऊपर करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो वो घूम रहा है। तो गाइस आपको तो शेर नहीं दिखा पाया क्योंकि शेर हमें भी नहीं दिखा, आपको मैं
बाघ दिखाया और वाइट टाइगर भी दिखाया। जो था जो नॉर्मल बाघ था जो वो अपना सिर्फ मुंडी को पानी से बाहर निकाले हुआ था, और वाइट टाइगर को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। तो आई होप आपको इस ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग के साथ। फोटो नहीं ले रहा है मैं, गर्मी लग रही है इसलिए लेकर चलते हैं। चिड़ियाघर में ये अलाव नहीं है, आपको गेट पे ही से चेकिंग करते वक्त आपको हटा दिया जाता है, इसलिए हम लोग इसको बैग में करके लाए हैं बहुत सेफ्टी से। तो हम अभी आए हैं सांप के केव में, आपको सांप दिखाते हैं, एक से एक सांप दिखाएंगे आपको, बस ब्लॉग में बने रहिए गाइस। तो ये देखिए गाइस, सांप घर के अंदर जाने का द्वार, नाग बाबा ऊपर है ये द्वार। चलते हैं हमने अंदर। तो इस वाले सांप का नाम है राय कृष्ण, इसको हिंदी में धामिन बोलते हैं। साला गजब था। मैं इसे बहुत नजदीक से दिखा रहा हूँ, शीशा में बंद है, कोई खतरा नहीं है। हाँ, इतना मोटा होता है असली में, एकदम देखने का मजा ही कुछ होता है। और एक वहाँ पर वो देखिए, धीरे धीरे वो बढ़ता है, आपको दिख रहा होगा उसकी मूवमेंट। हाँ, ये वाला तो गजब, एकदम सामने से एकदम कैसा होल इसको करके देखा, ये होल में घुस के। हाँ, ये सिम गजब, एकदम मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। तो गाइस, बहुत तरह के सांप आपको मैंने दिखाया, और मैंने भी देखा इतने नज़दीक से, कभी नहीं देखा था, बहुत मज़ा आया देखने के बाद। और ये देखिए, इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच, हिंदी में शुतुरमुर्ग। इसका जो अंडा होता है, दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है पूरे वर्ल्ड में। और ये देखिए देसी भालू, एक वहाँ है और एक यहाँ है, एक कैब में दो भालू वहाँ भी आ रहे थे। सो गाइज, आई होप आपको ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो ब्लॉग में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे बहुत कुछ दिखाना बाकी है आपको, अभी दिखाएं क्या है, अभी तो ये सब स्टार्टिंग है, अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो अभी जा रहे हैं टर्टल देखने, यानी कछुआ देखने, और आपको दिखाते हैं स्टार टर्टल, दिखाते हैं कैसा है। हम लोग आए हैं हिरन देखने। भाई सबसे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है एकदम। ये मेरा दोस्त इस पत्ता तोड़ते और इसको खिलाते हुए, हम भी खिला देते हैं। पहली बार हिरन को खाना दे रहे हैं हम लोग। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ले लिया ले लिया। टीवी पर ही देखते थे और हम लोग इसे पहली बार खाना भी खिला रहे हैं, पौधा चारा जो कह लीजिए। तो गाइस, थोड़ा सा थक चुके हैं तो अभी बैठे हैं यहाँ पे हम तीनों। तो कैसा लग रहा है घूमने में? गर्मी लग रहा है। गर्मी लग रहा है, घूमने में अच्छा नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है। ओ भाई, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है ना? अभी जंगल में जबरदस्त, अभी जंगल में जाएंगे
मौसम मस्त है तो घूमने में भी अच्छा लग रहा है। अभी धूप होती तो पसीने से हम लोग का हालत खराब हो जाता, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और चलते आगे। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, बहुत कुछ तो मैं बहुत देरी से नाम ले रहा हूँ, अब कुछ कुछ देखना बाकी है इस ब्लॉग में, और आपको मैं दिखाऊंगा और मैं भी देखूंगा और मैं घूमूंगा आपको भी घुमाऊंगा, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। गाइस आराम कर लिया, अब आपको मैं जेबरा दिखाता हूँ। वहाँ पे केस में जेबरा चिड़ियाघर में घूमते हुए और दोस्तों के साथ। अभी और जानवर देखना बाकी रह गया है, अभी आए हैं हिप्पोपोटामस देखना, दरियाई घोड़ा। गाइस ये देखिए दरियाई घोड़ा, दरिया घोड़ा बहुत कम चांस मिलता है ऐसे देखने को, पानी से बाहर निकला हुआ है, ज्यादा चांस पानी के अंदर ही आपको दिखेगा। और ये फुल व्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, पानी के बाहर निकला हुआ है ये। देखिए उसके दांत, मुंह से खून आ रहा है, दांत भी उसका लगता है तोड़ा गया है। तो गाइस ये देखिए फिशिंग कैट, सारा डिटेल्स लिखा गया है इसके बारे में। और ये आया गजब लग रहा है भाई, एकदम चीता और तेंदुए की तरह लग रहा है। गाइस अभी जा रहे हैं बोट पे राइड करने हम तीनों मेरे दोस्त, आपको बोट पे जाके पानी का सीन दिखाते हैं। हम लोग गोवा चला जाएगा। तो गाइस अभी आए हैं बोटिंग के, बोट पे राइड करने के लिए। तो देख सकते हो पीछे बोट्स है और उधर भी बहुत सारे बोट्स घूम रहे हैं। अभी हम लोग अभी वेटिंग कर रहे हैं, बोट्स आएगा तो जाते हैं। तो गाइस टिकट के लिए अभी 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग इस राइड को अभी कैंसिल कर रहे हैं, अगली बार आएंगे तो घूम लेंगे। सो कोई बात नहीं, नहीं घूम पाए तो कोई बात नहीं है, अगली बार घूम लेंगे। क्या अगली बार घूम लिया जाएगा ना? यस नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कत नहीं ना? ना ना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक। सो गाइस ये ब्लॉग मैं आईफोन से शूट कर रहा हूँ, ये मेरा पहला ब्लॉग है जो मैंने आईफोन से शूट किया, क्योंकि एंड्रॉयड से एक बार मैं दोनों में कंपेयर कर रहा था कि किससे ज़्यादा बेहतर ब्लॉग, मतलब वीडियो की किससे, मतलब वीडियो कौन सी फ़ोन से ज़्यादा बेटर आ सकती है, मैं ये कंपेयर कर रहा था। तो मुझे तो लग रही है कि आईफोन से ही मस्त आ रही है वीडियो, एंड्रॉयड से भी उतना कुछ अच्छा आता पर आईफोन जितना आता नहीं है अच्छा। तो मेरे बजट में होगा तो मैं आईफोन खरीदूंगा और मैं ब्लॉग उसी से अपलोड करता रहूंगा और उसी से बनाता रहूंगा। आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और बने रहे आप लोग ब्लॉग में। तो गाइस प्यास लग गई थी तो मेरे दोस्त वो पानी ले रहे हैं। अभिषेक अभी पानी पी रहा है, इसका गिम्बल हम लिए हुए हैं और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सबसे कुछ बोलो तुम। थकावट हुआ हल्का, पसीना हल्का चला है, पानी मिला रास्ते में, पानी का नल मिला, भर लिए बोतल में पानी, पी रहे हैं। और कोई बकवास नहीं दिखाना चाहते आपको इस ब्लॉग में, तो बंद करो इसे। तो अभी मैं आपको घड़ियाल दिखाता हूँ, एलिगेटर, मगरमच्छ नहीं, एलिगेटर जिसको हिंदी में घड़ियाल बोलते हैं। तो आपको वो देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आ रहा है, टोटल 7 है इस पानी में। और शीशा दिया गया है हम लोग के सेफ्टी के लिए, तो शीशा नहीं होता तो वो लोग बाहर आ जाता, तो सबको खा जाता, खाता नहीं सब भाग जाता, जो पकड़ाता उसको खा जाता,
तो टोटल 8 घड़ियाल है इसमें। 9 कहाँ है भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हम 8 दिन है। अच्छा कोई बात नहीं, काउंटिंग में दिक्कत होता पर घड़ियाल का घर कम, पिकनिक मनाने वाला रिजॉर्ट ज्यादा लग रहा है। जैसे लग रहा है वो झरना से पानी गिर रहा है, ये स्विमिंग पूल है हम लोग नहाने वाला। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। तो गाइस अभी आए मछली घर में जाने के लिए, टिकट के काउंटर पे टिकट ले रहे हैं। देखिए प्राइस लिखा हुआ है शिशु 50। तो टिकट तो ले लिया, अब जा रहे हैं मछली घर के अंदर जा रहे हैं हम लोग। तो आपको दिखाते हैं कैसे कैसे मछली होते हैं मछली घर में। मैं आया हूँ, पहले भी आया हूँ, जा रहा हूँ कैसे होते हैं मछली। तो आ चुके हैं मछली घर के गेट के पास। देखिए गेट, सॉरी गेट नहीं, मछली का मुंह ही है पूरा। हम लोग जा रहे हैं अंदर और बस जा रहे हैं अंदर। देखिए मछली के पेट में। मछली देखा और बहुत प्यारे प्यारे मछली थे, कछुआ भी था, और मुझे सबसे प्यारी चीज़ उसमें वो छोटे छोटे कछुए थे, वो अच्छा लग रहे थे। आप कमेंट कर बताइए कि आपको सबसे, मतलब उसमें से सबसे प्यारी चीज़ कौन सी लगी, मछली या कछुआ, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखो गाइस डॉल्फिन दो हैं, पर एक बात ये नकली हैं। असली देखना तो आपको जाना पड़ेगा गंगा नदी, बहुत भाग से दिखती है असली वाले डॉल्फिन। ये भी नकली है, सारा स्ट्रक्चर रखा हुआ है, आपको देखने में लगेगा असली, पर ये सारे नकली हैं। सो गाइस अभी शाम हो रही है और कुछ और जानवर बचे हैं देखने के लिए, तो हम लोग उनको देखकर फिर उसके बाद हम लोग घर जाते हैं, क्योंकि शाम होने वाली है और चिड़ियाघर बंद भी होने वाली है, टाइम भी ओवर हो रहा है। तो बस कुछ और जानवर और हम लोग देख कर चलते हैं घर। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लग रही होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही, नहीं करोगे तो आपका क्या, मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेहनत करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, अभी मैं नया नया हूँ तो कुछ सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ दूसरों को। तो बस आगे मेरी ब्लॉग आती ही रहेगी, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोग का बस प्यार की ज़रूरत है। भाई सिर्फ प्लेन वाला शॉर्ट के चलते मैं बहुत देरी से बैठा हुआ था, फाइनली एयरप्लेन आया और मैं शॉर्ट्स भी ले लिया। यार बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि कब एरोप्लेन आएगा, कब एरोप्लेन आएगा, और एरोप्लेन आ ही गया आखिरकार। तो गाइस अभी बारिश स्टार्ट हुई है तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे उसके अंदर छिपने। तो बारिश छूटेगी हम लोग जाएंगे डायरेक्ट घर, सॉरी इससे बाहर निकलेंगे और जाएंगे घर। गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग इसके अंदर छिपे हुए हैं, आप देख सकते हो करकट का छत बनाया गया है, बहुत सारे लोग भी छिपे हुए हैं। सो गाइस बारिश तो अभी रुक नहीं रही है, हल्की हल्की हो भी रही है और हम लोग ज़्यादा भींगेंगे नहीं, पेड़ के नीचे से ही जा रहे हैं। सोचे रुकने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, घर भी जाना है, तो सोचे कि निकलते हैं, हल्का हल्का बारिश तो हो ही रही है, सोचे पेड़ के नीचे से जाएंगे तो बच भी जाएंगे, भींगेंगे भी नहीं उतना। तो अब मिलते हैं आप लोग से गेट के पास, मेन गेट के पास। तो कैसा लग रहा है, घूम लिया? इधर देखो, घूम लिया, घूम लिया, घूम लिया, घूम लिया। बारिश हो रहा है ना, बारिश मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
सुहावना। बारिश में हमको मजा नहीं आ रहा, बारिश में हमको मजा नहीं आ रहा यार। इस पेड़ के वजह से हल्का बच भी गए हो, अब जाके बारिश स्पीड हो गई, बारिश में मजा नहीं आ रहा। सो गाइस, बारिश तो रुक नहीं रही है और हम लोग जा रहे हैं अब घर। मेन गेट के पास आ चुके हैं हम, अब बाहर निकलते हैं, जाते हैं घर। गाइस आ चुके हैं चिड़ियाघर के बाहर, रुक जाओ। वो देखिए पटना जू, वहीं पे हम लोग घूमने गए थे। सो गाइस चिड़ियाघर घूम लिया और मैंने आईफोन से ब्लॉग भी शूट कर लिया। मैंने आईफोन से ब्लॉग पहली बार शूट किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। और मिलते हैं अगले की नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।